दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। यूं तो आपने ब्रिटेन में एक लड़की के बारे में सुना ही होगा जो मात्र 12 साल की उम्र में माँ बन चुकी थी और उसे ब्रिटेन की सबसे कम उम्र वाली माँ का दर्जा मिला है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो यह खिताब पेरू देश की लीना मेदीना के नाम दर्ज है, जो मात्र 5 साल की उम्र में 7 महीने में एक स्वस्थ बच्चे की माँ बन गई। ये घटना चिकित्सा विज्ञान के लिए आज तक एक पहेली है कि आखिर कैसे इतनी कम उम्र की बच्ची गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। लीना मेदीना का जन्म पेरू के त्रिकैपो नामक स्थान में 27 सितंबर 1933 को हुआ था। लीना जब मात्र 5 साल की थी तब उसके पेट का आकार बढ़ने लगा, जिससे उसके माता पिता चिंतित हो गए। क्योंकि त्रिकैपो एक ग्रामीण इलाका था, इसलिए वो उसे उस समय की स्थानीय मान्यताओं के अनुसार एक स्थानीय एक्सोर्सिस्ट के पास सलाह लेने के लिए ले गए। उस एक्सोर्सिस्ट ने कई झाड़ फूक और अनुष्ठान किए पर कोई फायदा नहीं हुआ। पेट का आकार लगातार बढ़ता रहा। लाचार माता पिता उसे किसी चिकित्सक को दिखाने के लिए पिस्को शहर के पास एक अस्पताल में ले गए। शुरुआत में सभी ने यही सोचा कि शायद उसके पेट में रसौली थी, लेकिन डॉक्टर उसके परीक्षण के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि वह 7 महीने की गर्भवती थी। डॉक्टर जेराडो लोजाना लीना की गर्भावस्था की पुष्टि के लिए उसे अनेक विशेषज्ञों को दिखाने के लिए पेरू की राजधानी लीमा ले गए। वहां पर भी उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। आखिरकार 14 मई 1939 को मेदीना ने सिजेरियन द्वारा एक लड़के को जन्म दिया। लीना मेदीना की कहानी विस्तार से उस समय के मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुई थी, जिसके अनुसार लीना को मात्र 2.5 साल की उम्र में ही पीरियड आने शुरू हो गए थे। 4 साल की उम्र तक उसके स्तनों का विकास पूरा हो चुका था। 5 साल की उम्र तक उसकी कोख का चौड़ी होना काफी हद तक हो चुका था। जब बच्चे के लिए डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया तो उन्होंने भी ये पाया कि उसके शरीर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का विकास पूरा हो चुका था। लीना के बेटे का नाम डॉक्टर जेरार्डो के नाम पर जेरार्डो रखा गया। जन्म के समय जेरार्डो का वजन 2.7 किलो था। बचपन में जेरार्डो की परवरिश लीना के एक भाई के रूप में की गई थी, लेकिन जब वह 10 साल का हुआ तो उसे इस बात का पता चला कि मेदीना दरअसल उसकी माँ थी। 1979 में जेरार्डो की 40 साल की उम्र में मौत हो गई। युवावस्था में लीना ने डॉक्टर लोजेडा के लीमा में स्थित क्लिनिक में एक सेक्रेटरी के रूप में काम किया, जिन्होंने उसे और उसके बेटे को शिक्षा प्राप्त करने में मदद की। बाद में लीना ने राउल जेरार्डो नाम के आदमी से शादी की, जो 1972 में जन्मे उसके दूसरे बेटे का पिता बना। 2002 तक ये दंपत्ति लीमा की एक गरीब बस्ती शिकागो चिको यानी छोटी शिकागो में रहते थे। लीना ने कभी भी अपने बच्चे के पिता का नाम और वह परिस्थितियां जिनसे वह गर्भवती हुई उनका खुलासा नहीं किया। डॉक्टर एस्कोमिल के अनुसार खुद लीना को भी ये बातें ठीक से नहीं मालूम थी। डॉक्टर जेरार्डो ने लीना की गर्भ अवस्था का पता चलने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया और लीना के पिता को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में सबूतों की कमी के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके बाद उसके 11 वर्षीय मंदबुद्धि भाई को भी गिरफ्तार किया गया, पर उसे भी सबूतों की कमी के चलते छोड़ दिया गया। 1955 के एक लेख के अनुसार कुछ इंडियन गांव जिनमें लीना मेदीना का भी गाँव था, वहाँ अक्सर कुछ ऐसे त्योहार मनाए जाते थे जिनके अंत में
सामूहिक तौर पर यौन संबंध बनाए जाते थे और इस दौरान बहुत सी लड़कियों के साथ बलात्कार भी किया गया। हो सकता है कि ऐसे ही किसी उत्सव में लीना के साथ भी शारीरिक संबंध बनाया गया हो। इस तरह ये केस चिकित्सा विज्ञान के लिए एक रहस्य बनकर रह गया, जो कि अपने तमाम तर्कों के बावजूद भी ये नहीं बता पाए कि आखिर 5 साल की एक बच्ची कैसे माँ बन गई। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।